गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टेकिंग अ न्यू चैप्टर, वी हैव टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, द एनिमल और द लिविंग बींग्स आर नीडेड और नीड द एनर्जी, फॉर दिस दे required food, water and another nutrients, and their waste products of the different type of life processes like digestion, excretion should be worn out or should be removed out from the body. और ऐसी processes जो हैं जिनसे मुझे energy मिल रही है, उन energy processes को हम लोग हमारी body के अंदर carry out कर रहे हैं, हमारी body के अंदर वो complete होती है। But food is required for providing the energy. न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी। हम लोग फूड तो बहुत सारा खाते हैं, बट दैट शुड बी अ न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जब होगा, दैट वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, व्हेन एवर द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा कहाँ पर? होगा इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इन द साइटोप्लाज्म और इन द मसल सेल्स। तो तीनों टाइप के सेल्स मैंने आपको बता दी थी। माइटोकॉन्ड्रिया में जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, द एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस, दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। आई बात समझ में? ठीक है। द एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दैट इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, बॉडी ने एब्जॉर्ब की और दैट इज डिजॉल्व इन द एनर्जी विल थ्रोल इन द ब्लड, इन द ब्लड, एंड द ब्लड विल ट्रांसफ्यूज दैट और ट्रांसफर द एनर्जी टू द ओल्ड एनिमल सेल्स और द सेल्स ऑफ द बॉडी फॉर द वेरियस फंक्शनिंग। बहुत सारी फंक्शनिंग हमारी बॉडी करती है और बॉडी की सेल्स जो फंक्शन करती है, That is needed for the energy, और energy जो होगी वो gases के form में भी हो सकती है, like the oxygen, blood उसको oxygen को ले जाकर various parts में transfer करता है for the varying activities, और इन जो waste material हमारी body के अंदर बनता है, that should be transported out, body के अंदर से बाहर निकलना जरूरी है। तो in this chapter we have to discuss the transportation of waste products or the nutrients in all over the body. हमारी पूरी body के अंदर हम लोग देखते हैं किसका transportation. और for the transportation we have the different types of systems like the circulatory system and excretory system transportation के लिए, ठीक है। तो first of all we have to discuss the circulatory system. What we have to discuss? The circulatory system. क्या करेंगे हम लोग discuss? The circulatory system. Circulatory system हम लोग discuss कर रहे हैं. Circulatory systems has three parts. That is heart. First is heart. Second one is blood. And third one is vessels. ओके, तो व्हाट वी हैव टू डिस्कस टुडे, वी हैव टू डिस्कस द सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिस्टम व्हिच हेल्प्स इन द सर्कुलेशन और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल्स टू द ऑल आवर द बॉडी। द सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का एक क्या है? सिस्टम है। आई बात समझ में? तो इसका जो पार्ट्स है, दैट आर ब्लड, फर्स्ट इज ब्लड, सेकंड वन इज हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के जो पार्ट है, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज ब्लड, फर्स्ट पार्ट इज ब्लड, सेकेंड पार्ट इज हार्ट, थर्ड पार्ट इज वेसल्स, ब्लड वेसल्स। आई बात समझ में? थर्ड पार्ट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स इज व्हाट? इन विच द ब्लड इज फ्लोज।
ब्लड फ्लो करता है जिन ट्यूब्स के अंदर, उनको बोलते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स। तो टुडे व्हाट वी हैव टू डिस्कस, फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस द ब्लड। ब्लड के बारे में मुझे क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ब्लड इज व्हाट, ब्लड इज द रेड कलर्ड विस्कस फ्लूइड, इट इज ऑल्सो नोन एज द कनेक्टिव टिश्यू दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूजफुल गैसेस, दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी, इट कैरीज ऑल्सो द वेस्ट प्रोडक्ट्स, कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द और द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ब्लड इज अ विस्कस फ्लूइड दैट इज ऑलवेज विस्कस, सॉरी ऑलवेज ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, ऑलवेज ट्रांसपोर्ट द रिमूव, ऑलवेज ट्रांसपोर्ट द वेस्ट प्रोडक्ट्स और वेस्ट मटीरियल्स। ठीक है, ब्लड हैज मेनली टू पार्ट्स, ब्लड हैज मेनली टू पार्ट्स, दैट इज द सॉलिड पार्ट एंड द लिक्विड पार्ट। ठीक है, सॉलिड पार्ट एंड द लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट हैज द सेल्स, सॉलिड पार्ट में क्या होंगी, इनकी सेल्स होंगी, एंड द लिक्विड पार्ट इज कंपोज्ड कंटेन्स द प्लाज्मा। क्या किसका बना हुआ है, क्या है इसके अंदर, ये प्लाज्मा, इट इज द लिक्विड मटीरियल्स। ठीक है, सॉलिड पार्ट इज सेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द सॉलिड पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डिस्कस द सॉलिड पार्ट, सॉरी सॉलिड पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, पहले लिक्विड पार्ट को डिस्कस करते हैं। लिक्विड हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली एंड ओनली प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट इज व्हाट, द प्लाज्मा। ओके, एज वी नो अ ह्यूमन एडल्ट हैव द 4 to 5 liters एवरेज ब्लड इन द बॉडी। 4 to 5 liter ब्लड क्या होगा, एवरेज हमारी बॉडी में होता है एज एन एडल्ट। जो एडल्ट पर्सन होता है उसकी बॉडी में मैक्सिममली या एवरेजली कितना होता है, 4 to 5। बट वी हैव टू डिस्कस द कंपेयर द फीमेल एंड मेल ऑल्सो। तो फीमेल जो बॉडी होती है या फीमेल जो मेंबर होते हैं उनके अंदर 1 to 1.5 liter क्या होता है, लेस देन द ब्लड फाउंड इन द मेल। मेल के अंदर जो ब्लड होता है उस ब्लड से क्या होगा, कम ब्लड होगा किसके अंदर, फीमेल के अंदर। आई वॉज अवे, तो 5 to 6 liter ब्लड इन द मेल एंड 1.5 liter लेस इन द फीमेल। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, कंपेयर कर लिया हम लोगों ने। लिक्विड पार्ट इज क्या है आपका, लिक्विड पार्ट इज नोन एज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, प्लाज्मा इज व्हाट, प्लाज्मा इज येलो कलर्ड, प्लाज्मा इज येलो कलर्ड फ्लूड, प्लाज्मा इज येलो कलर्ड फ्लूड दैट डू नॉट हैव द, दैट डू नॉट हैव द रेड कलर, दैट प्लाज्मा सॉरी येलो कलर्ड फ्लूड है इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा का पार्ट क्या है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज होगी, प्लाज्मा हैज द सेल्स, प्लाज्मा के अंदर क्या होगी, जो सॉलिड पार्ट है दैट इज सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। द सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड इज सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा, वायरिंग जो है इसकी वो उलट जाती है नीचे पैरों में। ठीक है, जो प्लाज्मा है वो किसको, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या सस्पेंडेड है, जो आपके सॉलिड पार्ट है दैट इज सेल्स दैट आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। ठीक है, इट कंटेन्स द डिजोल्व गैसेस न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑल्सो, सॉल्ट्स प्रोटीन्स एटसेट्रा फाउंड इन द प्लाज्मा। तो ये सीधी सी बात ये है कि सेल्स जो होंगी उन सारे मटीरियल्स को प्लाज्मा के अंदर से गेन करेगी एंड उसके बाद में ट्रांसपोर्ट करेगी। आई बात समझ, तो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल। नाउ चले चलते हैं हम लोग, प्लाज्मा की बात हो गई हमारी, फंक्शन क्या है इसका मैंने आपको बता दिया। प्लाज्मा क्या फंक्शन करता है, इट हेल्प्स इन द
transportation of organic material, it helps in the transportation of waste products, it helps in the transportation of different type of gases, it helps in the transportation of proteins. आई वॉज समझ, जाहिर सी बात है प्रोटीन के अंदर, सॉरी प्लाज्मा के अंदर सेल्स हैं तो फंक्शन किसका होगा, सेल्स का होगा, वो सेल्स फंक्शन कर देगी थ्रू द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर वो सेल्स रखी हुई है या सस्पेंडेड है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डिस्कस द सेल्स, सेकंड इज आपका सॉलिड पार्ट. सॉलिड पार्ट हैज द सेल्स और थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड यहां. फर्स्ट वन इज आरबीसी, सेकेंड वन इज डब्ल्यूबीसी एंड लास्ट वन इज प्लेटलेट्स. ओके, लास्ट वन इज प्लेटलेट्स, लास्ट वन इज प्लेटलेट्स. वन वन हम लोग इसको देखेंगे. देखो आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स. RBC is also known as erythrocytes, it is E. WBC is also known as leukocyte and platelets are also known as thrombocytes. Okay, erythrocytes is the scientific name of this and commonly these are known as red blood corpuscles. Red blood corpuscles. आई बात समझ में, इट इज रेड ब्लड कॉर्पुसल्स. कॉर्पुसल्स वाई वी आर कॉसिंग इट्स कॉर्पुसल्स, इसको कॉर्पुसल्स बेटा इसलिए बोल रहे हैं कि इसको इसलिए बोल रहे हैं कॉर्पुसल्स. कॉर्पुसल्स का मतलब क्या होता है, इज अ पार्टिकल फॉर्म. ये कैसा होगा, एज अ पार्टिकल फॉर्म, पार्टिकल्स होंगे ये, सॉलिड पार्टिकल्स हैं एज अ सेल्स, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है, कॉर्पुसल्स. कॉर्पुसल्स का मतलब क्या होता है, पार्टिकल, पार्टिकल साइज की होगी. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, सेल्स. यस इट इज द सेल बट उसको वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टिकल, दैट्स वाई रेड ब्लड कॉर्पुसल्स. इट इज वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, इट इज प्लेटलेट्स. ठीक है, हम लोग इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. देखिए क्या है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग तीनों की. आरबीसी इज द सेल और द सॉलिड पार्ट दैट इज फाउंड इन द ब्लड दैट इज अ बाइकॉनकेव शेप. आरबीसी जो होगा वो कौन सी शेप का होगा, बाइकॉनकेव शेप. बाइकॉनकेव का मतलब क्या था, डिस्क लाइक. अब बताओ सर डिस्क लाइक क्या होता है, स्क्वीजिंग बॉल आती है येलो कलर की, आप लोगों ने देखा होगा इसके ऊपर स्माइली बनी होती है, तो वो स्क्वीजिंग बॉल होती है, उसको हम लोग पिचकाते हैं, हम लोग ऐसे बिल्कुल ऐसे बीच में से ऐसे पिचकाएंगे तो उसकी जो शेप होगी दैट इज लाइक दिस. ठीक है, उसको मैंने बीच में से क्या किया, पिचका दिया, तो इट इज द बाइकॉनकेव शेप. जो शेप बनी है ना वो बाइकॉनकेव शेप कहलाएगी. ओके, नाउ डिस्क फिल्ड ऑफ द हीमोग्लोबिन, इसके अंदर एक ग्रीन रेड कलर पिगमेंट है. ठीक है, अभी बताता हूं आपको, द रेड कलर पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ दिस हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड. इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड क्या है, रेड कलर है. एंड दिस हीमोग्लोबिन इज कंटेन द आयरन, इसके अंदर क्या होगा, आयरन मोलिक्यूल्स होंगे. किसका बना हुआ है, आयरन मोलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे. एंड दिस हीमोग्लोबिन हैज द हाई एफिनिटी टू अटैच विद द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ में ये अटैच होकर क्या बना देता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, एज वी डिस्कस इन द रेस्पिरेशन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना देगा ये. ठीक है, क्या बना देगा ये, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बन जाता है और ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना देता है और ये लंग्स के अंदर ऐसा होता है. नाउ व्हाट वी हैव टू डिस, हीमोग्लोबिन प्रोवाइड द रेड कलर टू द ब्लड. व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी,
आरबीसी कितने टाइम तक जीवित रहती है? आरबीटी ऑलवेज सर्वाइव फॉर द 120 डेज। आरबीसी कितने दिनों तक सर्वाइव करती है? 120 डेज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहली जो आरबीसी है वो 120 डेज तक पड़ी रहेगी, उसके बाद में नहीं बनेगी। नहीं, आरबीसी डिस्ट्रक्ट भी होती रहती है और नहीं बनती रहती है। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट न्यूक्लिएटेड। इट इज नॉट न्यूक्लिएटेड, इसका मतलब क्या होगा? दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड। आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। आई बात समझ में? इट इज योर आरबीसी। आरबीसी इज द रेड ब्लड कॉर्पसल्स दैट हेल्प इन द दैट प्रोवाइड्स द रेड कलर टू द ब्लड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है, इट्स द रेड कलर्ड पिगमेंट दैट कंटेन्स द आयरन मटीरियल। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? आयरन मॉलिक्यूल्स होंगे। हीमोग्लोबिन हैज अ हाई एफिनिटी और हाई एफिनिटी टू अटैच विद द ऑक्सीजन। उसकी एक बहुत ज्यादा पावर होती है किसके साथ अटैच होने की? ऑक्सीजन के साथ में। आई बात समझ में? तो इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। एक टाइप की सेल्स कंप्लीटेड। नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेल्स इज आरबीसी का फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स। नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसी। इट इज व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। इट इज व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ये कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बट नॉट डिफाइंड शेप और डेफिनेट शेप। सॉरी, कैसी शेप होती है इसकी? डेफिनेट शेप नहीं होती। डेफिनेट शेप नहीं होती उसकी। शेप कैसी है? डेफिनेट शेप नहीं होती है, मतलब उसकी जो शेप है वो कैसी भी तरीके से चेंज होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या करता है? देखो, डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ल्यूकोसाइट्स। प्लास्टिड में पढ़ा होगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट दैट डू नॉट हैव द एनीटाइप That do not have the color. उसके अंदर क्या है? Color नहीं है। That's why that is leukoplast and this one is leukocytes. ये leukocytes. अब इसका function क्या है बेटा? Function क्या है इसका? Function जो है इसका, it helps in the infections by producing antibodies against the disease causing agents। आई वास समय जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर रहे हैं, उन डिजीज कॉजिंग एजेंट्स के अगेंस्ट ये क्या करेगा? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। और एंटीबॉडी के फॉर्मेशन होने से ही क्या होगा? जो डब्ल्यूबीसी है वो, जैसे सपोज करो हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं कि व्हेन एवर वी आर सफरिंग फीवर, जब हमारे बॉडी के अंदर क्या हुआ? फीवर की फीलिंग आ रही है, फीवर हो रहा है, टेम्परेचर रेज अप हो रहा है, तो वी हैव टू गो फॉर ए डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर ऑलवेज प्रिस्क्राइब्स सम मेडिसिंस, आपको दवाई देता है। हम लोग क्या करते हैं? उनको टाइम बाय टाइम हम लोग लेते हैं एंड वी विल बी गुड। हम लोग आगे अच्छे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो क्या होगा? हम लोगों को रिलीफ मिलती है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या हुआ भाई? द एंटीबॉडी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन क्या करेंगे? हम लोग जैसे ही लेंगे, हमारी बॉडी की जो डब्ल्यूबीसी है दैट बिकम्स एक्टिव, वो क्या करेगी? एक्टिव हो जाएगी। और एक्टिव जब हो जाएगी, इट फॉर्म्स द एंटीबॉडीज, कुछ ऐसे सोल्जर्स या केमिकल्स बनाएगी। वो केमिकल्स जो होंगे उस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को क्या करेंगे? किल कर देंगे। तो इट प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी टू द बॉडी। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर बॉडी। बॉडी के लिए क्या प्रोवाइड करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। आई बात समझ? और जब इन्फेक्शन होता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो डब्ल्यूबीसी जो है
वो दवाई देते ही क्या होगा, अपना नंबरिंग इंक्रीज करेगा। डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में, विद फॉर द सपोर्टिंग ऑफ अगेंस्ट द सपोर्टिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, ये डिफरेंट टाइप्स की होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आरबीसी जो था उसका नंबर इन्फेक्शंस में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। डब्ल्यूबीसी का जो नंबर होता है इन्फेक्शन की कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, लास्ट वन इज प्लेटलेट्स, लास्ट सेल इज प्लेटलेट्स, क्या है प्लेटलेट्स, एज इट्स नेम सेज प्लेट, एज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। प्लेटलेट्स क्या होती है, डिस्क लाइक पार्टिकल्स होंगे जो क्या करती है, हेल्प क्या करेगा, इट हेल्प्स इन द रिड्यूसिंग द ब्लड लॉस, इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लोटिंग, सॉरी ब्लड क्लोटिंग में ये हेल्प करेगी। क्या मुझे चोट लग गई, व्हाट वी हैव टू डू, कुछ व्हेन एवर वी इंजर्ड, सो आफ्टर सम टाइम द लॉस ऑफ ब्लड और द फ्लोइंग ऑफ द ब्लड विल स्टॉप, ब्लड का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है भाई, कि ब्लड का जो कट, जहाँ पर कट लगा है वहाँ पर क्या होगा, जो सेल्स होंगे दे आर डैमेज सेल्स, द आरबीसी विल डैमेज, डब्ल्यूबीसी विल डैमेज, ओनली एंड ओनली प्लेटलेट्स आर फाउंड ओवर हियर, दीज आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, दीज आर थ्रोम्बोसाइट्स, दीज हैज द थ्रोम्बिन प्रोटीन, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है थ्रोम्बिन, दैट फॉर्म द फाइबर्स, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगा ये, That is always struck with the site of the cut, site of the injury. जैसे हम लोग जनरल हम लोग देखें तो कि हमारा जो wound है, हमारा जो घाव है, जो हमको कट लग गया है या चोट लगी है, उसके ऊपर ब्लड की जो प्लेटलेट्स है, that is, these are known as thrombocytes, उसके अंदर फाइबर लाइक फाइबर्स होते हैं, दीज फाइबर्स आर कमिंग ऑन द साइट ऑफ साइट ऑफ इंजरी, जहां पर चोट लगी है वहां पर ये आके क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, लग जाएंगे आगे उस घाव की, तो क्या होगा, ब्लड की जो सेल्स है, जो डैमेज आरबीसी वगैरह है, दे विल टेंटेंगल और इंटेंगल विद द थ्रोम्बिन प्रोटीन्स और दीज फाइबर्स, इस फाइबर्स के बीच में ये क्या होगी, उलझ जाएगी, और उलझेगी तो प्लेटलेट्स उलझ कर क्या बना देगी, एक स्टॉपेज प्रोवाइड करती है, बैरियर प्रोवाइड कर दिया उसने उस घाव के आगे, ताकि ब्लड का लॉस नहीं हो पाए। आई बात समझ में, मैं आपको क्लियरली पढ़ के बता देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ आपको मैं प्लेटलेट्स को, इफ समवन गेट्स अ कट, इफ समवन गेट्स अ कट एंड ब्लड स्टार्ट्स कमिंग आउट, ब्लड क्या होता है बाहर आना स्टार्ट होता है, तो व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम, द ब्लीडिंग स्टॉप्स एंड द कट गेट्स कवर्ड विद द डार्क रेड क्लॉट, कवर के ऊपर क्या होता है, रेड कलर का क्लॉट आता है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड प्लेटलेट्स, दीज आर स्मॉलर कलरलेस और सेल लाइक स्ट्रक्चर्स, together with the damaged tissue that releases the substance and causes the formation of mesh like structure, ye kya karte hain us ghav ke aage lag gaye kuch dino baad mein mesh matlab ek kharoot ki tarah kya ho jayega, ek kharoot ki tarah structures aapko mil jayegi, theek hai, aur iska matlab kya hua, they help in the preventing of the loss of blood, they help in the preventing of ब्लड लॉस, ब्लड का लॉस होने से बचाते हैं बाय फॉर्मिंग द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, बाय फॉर्मिंग द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। आई बात समझ में, तीनों टाइप की सेल्स आपकी हो गई है। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू डिस्कस द ब्लड वेसल्स, टू टाइप्स की ब्लड वेसल्स हमारे पास में है, ब्लड वेसल्स आर द कैपिलरीज और द ट्यूब्स, लास्ट वन जल्दी से कर लेते हैं हम लोग, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, ब्लड वेसल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज आर्टरीज, सेकंड वन इज वीन्स, थर्ड वन इज कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज एंड वीन्स की बात कर रहे हैं, आर्टरीज आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट ऑलवेज ट्रांसपोर्ट द प्योर ब्लड, that always transport the pure blood from the heart to the organs, heart से क्या करता है ये organs की तरफ क्या करती है,
प्योर ब्लड को लेकर जाती है फॉर द गुड एक्टिविटी, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी या कुछ अच्छी एक्टिविटी के लिए, मतलब एक तरह से बोलते हैं उसकी परफॉर्मेंस के लिए, या एक्टिव फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, जो प्योर गैस है दैट शुड बी ट्रांसपोर्ट टू द सेल्स। तो आर्टरीज क्या करती है, प्योर ब्लड को हार्ट से कहां पहुंचाती है, टू द ऑर्गन्स। बट पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी दैट कम्स फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से जो आएगी या ठीक है, दैट ऑलवेज ट्रांसपोर्ट द इम्प्योर ब्लड। इसके अंदर क्या होगा, CO2, इम्प्योर ब्लड। आपको मैं जनरल बता रहा हूं, पल्मोनरी आर्टरीज जो होंगी दैट इज का पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स से रिलेटेड, एंड लंग्स से रिलेटेड जो आर्टरी जाएगी दैट ऑलवेज ट्रांसपोर्ट द इम्प्योर ब्लड। ऐसे यहां पर क्या होगा, दिस ऑलवेज ट्रांसपोर्ट द इम्प्योर ब्लड कंटेनिंग CO2, दैट ऑलवेज ट्रांसपोर्ट द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन्स टू द हार्ट। और यहां पर क्या होगा, इम्प्योर ब्लड को जब ये लेकर जाएगी, लेकिन इसमें भी क्या है, पल्मोनरी वीन, ये पल्मोनरी वीन जो है दैट कम्स फ्रॉम द दैट इज रिलेटेड टू द लंग्स, और ये क्या करेगी, ये प्योर ब्लड को लेकर जाएगी। दीज आर द एक्सेप्शंस, पल्मोनरी आर्टरी जो होंगी वो इम्प्योर ब्लड को लेकर जाएगी, पल्मोनरी वीन जो होगी वो प्योर ब्लड को लेकर जाएगी। ठीक है, आर्टरीज के अंदर क्या होता है, आर्टरीज की जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज थिक वॉल्ड। आर्टरीज की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, थिक वॉल्ड। व्हाई थिक वॉल्ड क्यों है बेटा, बिकॉज द बीपी और द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज आर हैवी हाई, बोल सकते हम लोग इसको, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसा होता है, हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर से ब्लड की जो आर्टरीज है उनकी वॉल फट नहीं जाए, दैट्स वाई उसकी जो स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी जो वॉल है वो कैसी है, थिक है, मोटी है। क्यों है, क्योंकि उसकी जो पाइप है वो पाइप क्या है, डायमीटर की कम है, उसका डायमीटर कैसा है, कम है, इसलिए उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो बाय द प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है। वीन्स में क्या होता है, थिन वॉल्ड होता है, ये कैसी है, थिन वॉल्ड है, दैट्स वाई बीपी इज लो, यहाँ पर ब्लड प्रेशर कैसा होगा, लो। आई बात समझ में। और कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज जो ट्यूब्स है वो कैपिलरीज है, उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की, जैसे बोल रहे ना हम लोग कि वीन जो ब्लड आपके छोटे छोटे पाइप्स है, सपोज करो दीज आर द पाइप्स, इसके अंदर से एक पाइप और आ गया, इसके अंदर से एक पाइप और निकल गया, इसके अंदर से एक पाइप और निकल गया, ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो वीन्स और गई ना, जैसे जो छोटे पाइप्स हैं ब्लड के ट्रांसफ्यूज करने के, दैट इज द नेटवर्क, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। आई बात समझ में, वेन्स के अंदर क्या होता है, जब वो ब्लड को एक तरह से लेकर जाएंगी तो क्या होगा, इनका बैक फ्लो नहीं होगा, इनका बैक फ्लो क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, वॉल होता है, किसके अंदर होते हैं, वॉल होता है, जैसे हार्ट वगैरह में, ठीक है। तो ये तो जनरल आपकी प्रोविजन था दैट वी हैव डिस्कस, ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे, रीड दिस चैप्टर एंड विल कम इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पार्ट और दिस चैप्टर विल गो फॉर द न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।